हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं JPY INR के वीकली व्यू के बारे में। और जैसे कि आप टाइटल में भी रीड कर सकते हो कि पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि 0.7030 इट्स अ फाइनल सपोर्ट फॉर द JPY INR। ठीक है, ये जो था वो एक फाइनल सपोर्ट था। अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगा और उसके नीचे अगर ये जाने की कोशिश करेगा तो स्पीड से आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और सेम हुआ कि जैसे उसने वो एक सपोर्ट ब्रेक कर दिया हमारा फाइनल, और उसके बाद जो है वो JPY ने लगभग नीचे की तरफ 0.6996 का जो लेवल है वो हमें बताया। और अगर आपने लास्ट टू लास्ट वीक का वीडियो देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि JPY INR के अंदर एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट आने की संभावना है, और उसके लिए जो आपको बड़े टाइम फ्रेम का मतलब लगभग 2 से 3 महीने का जो सपोर्ट ध्यान में लेना है वो मैंने बताया था 0.6980 का सपोर्ट। ठीक है, तो वो सपोर्ट के साथ जो है वो आप JPY INR के अंदर लगभग 0.72 से 0.73 के जो टारगेट है वो देख सकते हो। ठीक है, अभी भी उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि उसका पहला सपोर्ट क्या हो सकता है। तो अब JPY INR का पहला जो सपोर्ट है, जैसे कि आप चार्ट के ऊपर भी ये स्क्रीन के ऊपर भी रीड कर सकते हो कि 0.7030 है। ठीक है, 0.7030 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द JPY INR। अगर ये जो सपोर्ट है वो JPY INR ब्रेक नहीं करता और यहाँ से ही सीधा वो बाउंस ले लेता है तो हमें इसके अंदर की जो रैली है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बट अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है JPY INR के अंदर, तो आपको फाइनल सपोर्ट ध्यान में लेना है, और फाइनल सपोर्ट जो है वो है 0.6980 का, जो अभी मैंने बताया आपको। और ये जो सपोर्ट है आपको ध्यान में लेना है लगभग आने वाले 2 से 3 महीने के लिए। ठीक है, 2 से 3 महीने के लिए अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं होता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम 0.72 से 0.73 के जो लेवल है वो हम JPY के अंदर देख सकते हैं। बट अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है तो नीचे की तरफ जो है वो थोड़ा सा आपको करेक्शन भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और ये जो करेक्शन है वो कहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर, वो मैं अगर आपको बताऊँ तो 0.6960 से लेके लगभग लगभग ये 0.6930 का जो लेवल है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने बात कर ली उसके सपोर्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके टारगेट क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो पहला जो टारगेट है दोस्तों अब जो निकल के आ रहा है वो है लगभग 0.7095 का लेवल। ठीक है, 0.7095 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर द JPY INR। अगर ये जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है और उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ठीक है, तो आपको इसके अंदर की जो तेजी है वो लगभग 0.7130 का जो लेवल है वहाँ तक आपको ये देखने को मिल सकता है। और फिर ये आपका फाइनल टारगेट हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, बाकी का जो मैंने टारगेट बताया वो 0.72 से 0.73 है, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के लिए, मतलब लगभग 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो 0.7130 इट्स अ फाइनल टारगेट फॉर द JPY INR फॉर द नेक्स्ट वीक। इफ दिस टारगेट कैन सस्टेन बाय द JPY INR देन आफ्टर वी कैन सी द लेवल 0.7150 to 0.7190। ठीक है, ये जो टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हमारा जो फाइनल टारगेट है वो सस्टेन हो जाता है तो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो से हेल्प मिलती हो, आपको ट्रेडिंग के अंदर बेनिफिट होता हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो और वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप जो है वो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है, और आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी कमेंट के अंदर मुझे बताना तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।